खा रहे हैं आइसक्रीम मंदिर में। सुंदर झांकी है। मेरे को मेरे बचपन की बहुत याद आ रही है क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे होकर जाते थे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबके घर में कन्हैया जी खुशियां लेके आए। तो अभी मैं जा रही हूँ फूल लेने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए। अभी हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं, जन्माष्टमी के मंदिरों की गेड़ी मार के आते हैं साथ में। स्टॉल्स लगनी शुरू हो गई हैं, ये लंगर की तैयारी हो रही है। तो शनिदेव के मंदिर में भी जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है फुल। बावड़ा लेने गई है फूल, ये आ गए दोनों फूल लेकर चले। तो मेरा छोटा काना भी रेडी हो गया है। तो हमने अपने छोटे से बाल गोपाल जी को सजाया है जितना मेरे को आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये है मेरा मंदिर। तो मंदिर कैसा लगा? मंदिर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? हमारे बाल गोपाल जी पूरे सज गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाल गोपाल जी आप सबकी लाइफ में ऐसे ही कृपा करते रहें और हमारी लाइफ में भी कृपा करते रहें, ऐसे ही अपना आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और अब जाएंगे शाम को बाजार में, जन्माष्टमी में बहुत बाजार सज रहा है हमारे यहाँ। आपको सारा मंदिर सब झांकियां लग रही हैं और हमारे छोटे अपना बाल गोपाल जी हमारे साथ हैं, इनको साथ लेके इसको इनको कान्हा जी बना के लेके चलेंगे। बोलो जय कन्हैया लाल की। ये है मेरे बाल गोपाल जी जिसको मैंने तैयार कर दिया है। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और हम जा रहे हैं मंदिर में माथा टेकने। तो कनव बन के जा रहा है कान्हा जी, मेरा कान्हा बहुत पालू बेबी है ना। ये हगी कर ली मम्मा को, चले नन्ना आशीर्वाद दे दो सबको। ऐसे ही खड़े हो गए, हाँ पर जय हो जय हो। पापा मनु भी देख के आया है। चले चले, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज का जन्माष्टमी का व्रत मेरा तो सफल ही हो गया, मेरे कान्हा तो मेरे साथ ही चल रहे हैं आज। तो हम लोग निकल गए हैं मंदिरों की झांकी देखने के लिए और नेहा को मैं साथ लेके जा रही हूँ। कान्हा जी मने हम तो so, हम लोग आए हैं अभी मार्केट में कृष्ण जी की जन्माष्टमी का जो भी है झांकी है वो देखने के लिए। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो अभी हमने दर्शन करनी है एक मंदिर में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है। अभी आगे जा रहे हैं किसी आगे और मंदिरों में जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं आज यहाँ का जन्माष्टमी का उत्सव कैसा है संगरूर का हमारे का। ये देखो इनका, ये जन्माष्टमी के त्योहार पे भी इनकी शॉपिंग चल रही है। ये क्या क्या ले क्या रहे हो आप? लट्टू ले रहे हो? लट्टू लाइटनिंग वाला लट्टू लिया जा रहा है कान्हा जी के लिए, लाइटनिंग वाला। ये देख,
अभी हम लोग पैदल पैदल पहुंचे हैं लक्ष्मी माता के मंदिर, तो अंदर दिखाते हैं आपको कैसे सजाया हुआ है। ये हमारे कान्हा जी बैठ गए थके, है ना, थक गए आप? पापा, पापा आ रही है, जय हो। ये आए हम लक्ष्मी माता के मंदिर, ये रहे विकास पापा और बहुत सारे लोग आए हुए यहाँ पे। कल बैठी मैं भी रहा था। जय हो। चलो चले, चलो किशन जी के साथ आके बैठ गए, ये बच्चा, ये राधा बन। चलो बाय। हमारे भगवान कृष्ण जी प्रसाद देना। ये बोलता है, ये आ गया राम दरबार। जय माता की, काली माता की जय हो। मंदिर बहुत अच्छा सजाया हुआ है। मेरे कान्हा जी खा रहे हैं आइसक्रीम, खा रहे हैं। तो कह रहा हूँ कि मंदिर में आने का ये फायदा हो गया, आइसक्रीम मिल गई है मुझे। सारे जने लगे हुए हैं पर मेरा फास्ट है, मैं कुछ नहीं खा सकती। ये कृष्ण जी के साथ राधा जी आ गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं तीसरे मंदिर में, बहुत मजा आ रहा है। नया मजा आ रहा है, देखो मजा आ रहा है बहुत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तीसरे मंदिर और वो और भी ज्यादा सुंदर बना हुआ, आप लोग वो दिखाते हैं। और ये मेरे कान्हा जी खा रहे हैं टॉफी, दिखाना जरा टॉफी मिली आपको। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर में, तीसरे चौथे में आ गए, अच्छा चौथे में आ गए। यहाँ पर ना अंदर बर्फ की झांकी है, अंदर चलते हैं देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। सारा बर्फ का बना हुआ है, सारी बर्फ की झांकी है। कोई नहीं यार, ना ना ले लेंगे। राम ना राम गिरे। सुन लो हमारे प्रणाम भोलेनाथ ने, एक मिनट, बम बम बोले, बम बम बोले। बहुत ही सुंदर झांकी है। तो अभी हम लोग उस मंदिर में भी जाए हैं और मेरे को मेरा सच में बचपन याद आ गया। तो मैं गौरव, सौरभ, रुचि, पंकज, निखिल, नेहा सबको बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब बचपन में ऐसे ही इकट्ठे होकर जाते थे, 10:30 निकल जाते थे, 12:30 एक डेढ़ बजे तक वापस आते थे और टिक्की वगैरह सब खा के आते थे। तो मेरे को बहुत याद आ रहा है, आज उन सबकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम से हमने ये सब छोड़ा हुआ था। तो आज मैं मतलब शादी के आई थिंक 6 साल बाद मैं ऐसे निकली हूँ पैदल, इसकी वजह से, क्योंकि ये थी मेरे साथ चलने के लिए। तो हमें बहुत मजा आ रहा है। अभी हम एक और जगह पहुंचे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। हनुमान जी और शिव जी का इकट्ठे है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, ये भी सजाया हुआ है। ये हमारा शनिदेव का मंदिर, बहुत सजा हुआ है और बहुत बड़ा लंगर लगा हुआ है यहाँ पे। जय शनिदेव की। अभी रात के बज रहे हैं 12:15 और भावना की, कृष्ण भगवान जी की पूजा शुरू हो चुकी है।
अभी बज रहे हैं 12:15 और मेरी पूजा हो गई है, तो मैं खाने लगी हूँ फुल्हारी, सौंफ के चावल और आलू की सब्जी। और उधर चल रहे हैं चिप्स, कोई वर्त नहीं है फिर भी चिप्स चल रहे हैं। पे दोबारा भूख लग गई है शायद, ये देखिए। हेलो। ये रात को खाए जा रहे हैं पफ कॉर्न्स। ये ऐसा है ना, बाप ने तो खा रही थी उसकी वजह से मैं खा रहा हूँ, मेरे खाने से इसका पेट भर जाएगा ना बेचारी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे फिर से कल एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय।